like we cannot have a lockdown period for an indefinite time and be at the same time maintaining the economic activities and day-to-day life. Our honorable MLAs and the deputy commissioners, kindly give us a feedback about our preparedness at the ground level. बिल्कुल urgency है, जाना ही पड़ेगा, ऐसे लोग को भेजाने देने से ठीक है। ये हम लोग भी दुखी हैं, जो हमारे बच्चे बाहर में हैं, उनको आना चाहिए, बंदरदेवा में या कहीं कहीं जहाँ में बैठना है। तो चलो दिन यहाँ आने, एक असम जाना चाहते हैं, तो ये ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सबको पता है कि अभी स्टेट का जो असली जो चैलेंज है वो तो अभी लॉकडाउन के बाद में यानी कि 3 मई के बाद में शुरू होगा। और इस बीच में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस प्रकार से इस पूरे देश को संभाला है, उन्होंने सही वक्त में सही डिसीजन लिया है, लॉकडाउन को फिर दोबारा एक्सटेंशन भी किया है, तो इसी चलते जो कोविड का स्प्रेडिंग रेट है वो काफ़ी कंट्रोल में आ गया है। मगर अभी भी आप लोग देख सकते हैं कि न्यूज़ के माध्यम से स्प्रेड तो रुका नहीं है, अभी भी बढ़ तो रहा है। लेकिन इसमें अभी आप लोग अपना एनालिसिस हम लोग अच्छे से करें, इसका मॉर्टिलिटी रेट बहुत कम है, तो ये फैक्ट बात है, मॉर्टिलिटी रेट बहुत कम है। और मैं बहुत बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अटेंड किया हूँ ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के सामने, तो बाय एंड लार्ज हम लोग को ये लगता है कि अभी कोविड के साथ में कैसे जीना है उसको हम लोग अभी एक तय करना होगा। ये कोविड का इलाज अभी तक आया नहीं है, आप सबको पता है ये काफ़ी लंबा जाने वाला एक वायरस। आपके साथ में जो वीसी हुआ था तो उन्होंने दिल्ली से भी यही चीज़ का गाइड किया है कि कोविड के साथ साथ अपना नॉर्मल ज़िंदगी भी बिताना है तो आगे बढ़ना है, ख़ास करके बिजनेस जो लोग अभी ठप पड़ा हुआ है उसको किस प्रकार से फेज वाइज करके हम लोग लेके आ पाएगा उसको भी अपना अपना राज्य विचार करना है।